हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से पूरे जो ब्लॉक होता है उसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं। जितने भी हमारा जो ब्लॉक होता है इन पे टेबल फिल्टर एक साथ कैसे लगाया जाता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ डिजिट हमने बनाए हुए हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, इसको हम एडजस्ट करके यहाँ से वैल्यू को बढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू है। अब हम जाते हैं टेबल फिल्टर में। टेबल फिल्टर हमको कहाँ मिलता है? टेबल फिल्टर के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा इंसर्ट में। इंसर्ट में जब जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिया है ये होता है टेबल फिल्टर। टेबल फिल्टर में जब क्लिक करते हैं हम लोग तो ये पूरे का पूरे जो है ब्लॉक सबमिशन जितना हम सेलेक्ट किए हैं उतने का यहाँ पे सिलेक्शन दिखा रहा है। पूरे जितने हमारा नंबर ऑफ वैल्यू इसमें डला हुआ है उसके हिसाब से अब यहाँ पे टेबल को ओके करते हैं। जब टेबल को ओके करेंगे तो पूरे का पूरे जो ब्लॉक होता है उन पे जो है टेबल फिल्टर अप्लाई हो जाता है। जैसे ये कॉलम है, यदि मैं इन पे टेबल फिल्टर यूज़ करूँगा तो यहाँ से ये इनके बीच में टेबल फिल्टर हम लोगों का लग जाता है। तो टेबल फिल्टर में फ़ायदा क्या है कि यदि हम इस कॉलम से कोई भी डिजिट आप हटाते हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉलम और रो को, ये कम हो जाएगा। यदि इस टेबल से आपको जो वैल्यू हटाना है वो आप हटा सकते हैं। जैसे मुझे ये दोनों हटाना है तो इस टेबल से ये दोनों हट गया। इस टेबल से आपको पर्टिकुलर दूसरे वैल्यू हटाना है तो ये इस टेबल से ये दोनों पर्टिकुलर वैल्यू हट जाता है। तो इस तरीके से जो बच रहा है वो आपका काम का है, बाकी आप टेबल फिल्टर लगा के उसको हटा दिए हैं आपके इससे फिल्टर के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही।